श्रीलंका की जनता ने एक मिसाल कायम की है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जो दुनिया भर की मेहनतकश जनता है उसके लिए। ये बात कहते हुए कि आप हर देश में, कोई भी देश हो, वहाँ की जो सरकार है केवल और केवल अगर कॉरपोरेट फ्रेंडली नीतियाँ लाती रहेगी और वहाँ की जो जनता है उसके खिलाफ नीतियाँ बनाती रहेगी, गरीब जनता के खिलाफ नीतियाँ बनाएगी और उनको अपने अधिकारों से वंचित रखेगी, तो लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। लोग जीते जाते लोग हैं। बिहार में कहा जाता है कि आप बोतल हैं क्या? इस दुनिया के किसी भी हिस्से में जो मेहनतकश लोग हैं वो बोतल नहीं हैं। वो अपने अपने साथ होने वाले शोषण के प्रति खराब महसूस करते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करना, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। और ये श्रीलंका की जनता ने हमें साफ कर दिया है। श्रीलंका में आज ज़रूरत है कि जब एक ऐसे मुकाम पर वहाँ का पोलिटिकल एटमोसफेयर खड़ा है कि वापस से ताकत उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में नहीं जानी चाहिए जो केवल और केवल पार्लियामेंट में बैठ कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहने की नीतियाँ बनाते हैं और लोगों के साथ कोई ऑप्शन ये बचता है कि वही जनता जो संघर्ष कर रही है, जो आंदोलन कर रही है, उसी जनता को शामिल करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में पीपल्स असेंबलीज बनाए जाने की ज़रूरत है। उन पीपल्स असेंबलीज में लोगों से कंसल्टेशन हो, डिस्कशन हो, जो भी नीतियाँ पार्लियामेंट में पास की जा रही हैं उनको अलग अलग जो जन संसद जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि पीपल्स असेंबलीज जन संसद अलग अलग इलाकों में रहेंगे, उनमें डिस्कशन हो कि आप किसी तरह की नीति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिर देश भर में उन जन संसदों के मेजॉरिटी कंसेंसस के बेसिस पे वो पार्लियामेंट में नीति पास होनी चाहिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि श्रीलंका और अडानी के साथ पावर एनर्जी पे साइन एग्रीमेंट होते ही भारत के लोग हेल्प करेंगे श्रीलंका। भारत के लोग, सबसे पहली बात तो ये, भारत की मेहनतकश जनता श्रीलंका के मेहनतकश जनता के संघर्ष को समझती है और इसीलिए वो उनके साथ खड़ी है। दूसरी बात ये कि भारत की सरकार कोई श्रीलंका की सरकार से बहुत अलग नहीं है। भारत की सरकार वही सरकार है जिसने आपदा के समय के बाद कामगार मजदूरों के घंटे, जिनके पहले से ही ज़्यादा काम के घंटे थे, जिनके वेजेस बहुत कम थे, जिनकी दिहाड़ी बहुत कम थी, उनके काम के घंटे 14 कर दिए, उनके जो राइट्स थे, लेबर राइट्स थे, उनको और ज़्यादा कुचल दिया। बेरोजगारी की दर लगातार महीना दर महीना, दिन हफ्ता दर हफ्ता बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो छात्र हैं उनका ड्रॉप आउट रेट स्कूल में, कॉलेज में बढ़ता जा रहा है, हायर एजुकेशन तक जाकर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के ऊपर जो खर्चा है वो लगातार कटता जा रहा है, 1% हमारे बजट का हिस्सा नहीं खर्च हो रहा शिक्षा पे। और तो और यहाँ पर भुखमरी की दर में भारत सबसे ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है किसी को कोई हिसाब नहीं है। रुपया अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी में लगातार गिरता जा रहा है। बीजेपी के फॉर्मल कई मिनिस्टर्स ने कहा है कि पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, श्रीलंका का हाल बुरा है, भारत का नहीं है, मोदी जी की। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में आग लगी है लेकिन आपको केवल पड़ोसी के घर की आग दिख रही है, आपको अपने घर की आग दिखी नहीं रही है। क्यों? जिन्हें नहीं दिख रही है, जिनका कमरा फायर प्रूफ, जिनका बंगला फायर प्रूफ है। यहाँ पे जो जनता है उसके बीच में जाइए तो पता चलेगा कितनी त्राही त्राही मची हुई है, कितना रोज आए दिन आज भी हमारी जनता मजबूर है कि मैला ढोते हुए, रोज सीवर साफ करते हुए बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लोग मर जाते हैं, और किस तरीके से आज लोगों के पास बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है। राशन, 2-2 किलो राशन के लिए ये सरकारें, वो सरकार है हमारी जो लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगवाती है 2-2 किलो राशन के लिए, जिसमें भी घुन लगे होते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि भारत की जनता भी श्रीलंका की जनता की तरह, भारत तैयार बैठा है मदद करने के लिए, सिर्फ अडानी के साथ पावर प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट कर दे। ये वही जनता है जिसने जनता के जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, जनता के संसाधन थे, उन्हें अंबानी और अडानी के सुपुर्द कर दिया आपदा के समय को अवसर में बदलते हुए। तो इस सरकार से कोई उम्मीद रखना कि श्रीलंका की जनता की मदद कर देगी, ये अपनी जनता की मदद नहीं कर पा रही है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम सरकारों से ये कहना चाहेंगे कि वहाँ के जो भगौड़े प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो सरकार है और जो वहाँ के कॉरपोरेट हैं, उन्हें शह देने की बजाय वहाँ की जनता के साथ खड़े हों और अपने अपने देशों में ये सुनिश्चित करें कि आप जो नीतियाँ बना रहे हैं, आप जो जिस तरीके के कानून बना रहे हैं, वो गरीब जनता समर्थक हैं या गरीब जनता विरोधी हैं। अगर वो गरीब जनता विरोधी हैं तो आपका भी वही हशर होगा, आपके साथ भी, आपके खिलाफ भी जनता हर समय आपको सड़क पर खड़ी मिलेगी और आपका तख्ता गिरता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से श्रीलंका में आज जनता ने दिखाया। श्रीलंका के मिनिस्टर भारत में छुपे बैठे, गए मोदी जी ने शरण दे रखा है, यहाँ भी लोग बगावत आप लोग जैसे उतर गए। देखिए, साफ सी बात है, ये सही है कि नहीं, आप बताइए। सरकार, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे सिंगापुर की सरकार हो, चाहे मालदीव्स की सरकार हो, वहाँ का जो एकदम करप्ट, इनह्यूमन
बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे निजीकरण के इंसान विरोधी जो उनका एक सरकार का जितना भी तंत्र रहा है उसको चाहे भारत में शह दे रहे हैं, मालदीव में शह दे रहे हैं, सिंगापुर में शह दे रहे हैं, ये क्रिमिनल है, ये एब्सोल्युटली क्रिमिनल है। आप जनता के साथ नहीं खड़े हैं, आप किसके साथ खड़े हैं? जो शोषक है, जो शोषण कर रहा है, जो वहाँ की जनता को लगातार मूर्ख बना रहा है। और जब जनता अपने हक के लिए सड़क पर उतर रही है तो बेशर्मी इतनी है कि भाग जा रहे हैं अपने देश से। तो सरकार को उनको शह देने की जगह, उनके साथ खड़े होने की जगह जनता को ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है कि वहाँ की जनता के साथ खड़े हो और अपने देश की जनता के साथ खड़े हो। और उसके लिए आप ये सुनिश्चित करिए कि आपके देश में जो संसाधन है, आप जो नीतियाँ बना रहे हैं वो गरीब जनता विरोधी नीति, गरीब जनता के समर्थक, उनके हक की नीतियाँ हो, ना कि जनता विरोधी नीतियाँ हो। जैसे कि लगातार एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया गया, लगातार हेल्थ केयर को प्राइवेटाइज कर दिया गया, लगातार रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। आज 11 बैंक निजीकरण हो, आज आपको ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा जहाँ पर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा पीएचडी करके चपरासी की नौकरी, माली की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जिनके पास पढ़ाई लिखाई करने का सुविधा नहीं पहुंच पाई अपने ज़िंदगी भर, वो तो तिल तिल पिस रहे हैं। तो इस तरीके का आलम बदले, हम अपने देश में इस तरीके का एक मंजर ला पाएं जहां पर जो इंसान मजदूर करके, मजदूरी करके 20,000 करोड़ की ये जो पार्लियामेंट की ईंटें ढो के वहाँ की पार्लियामेंट बनाता है, उसको उस तक कुछ अधिकार पहुंच पाएं और वो लोकतंत्र में सही में कह पाए कि उसके पास कुछ सवाल। ये पार्लियामेंट में जो है प्रोटेस्ट करना बैन कर दिया मोदी सरकार ने, इसको कैसे देख रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप है, ये बिल्कुल ये तानाशाही है। और देखिए, कोई भी जो जनता विरोधी सरकार है वो कभी भी नहीं चाहती है कि जनता अपनी आवाज़ उठाए, वो कभी भी नहीं चाहती कि जनता की आवाज़ बाकी जनता तक पहुंचे, क्योंकि उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि लोग जब एक हद से ज़्यादा शोषित हो जाते हैं और उनकी चेतना जाग उठती है तो वो एकजुट होकर केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि लोगों ने श्रीलंका में किया। और इसी से सरकार डरती है, और सरकार डरती है इसीलिए सरकार लगातार पुलिस को भी आगे करती है। 14 जुलाई को हमने श्रीलंकन एम्बेसी पर सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किया था, वहाँ पर भी हमें मारपीट करके, अरेस्ट करके हमें डिटेन किया गया। और ये इस बात का सबूत है कि लगातार आज जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हनन हो रहा है वो साफ साफ सरकार के जनता विरोधी, कॉरपोरेट पसंद, गरीब जनता विरोधी रवैये को दिखाता है। श्रीलंका में आम जनता खाने जैसी, दवाइयों जैसी बहुत ही बेसिक चीज़ों के लिए भी जूझ रही है, उनके पास उतना भी पैसा नहीं है। और आपको अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी पीछे एक डाटा आया था, सॉरी एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जब जनता राजपक्षे के घर में गई तो उन्हें वहाँ पर करोड़ों की तादाद में रुपया मिला था। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि आप नेता जो कि कैपिटलिस्ट के इशारों पर काम करते हैं, ठीक है, वो जनता को बेसिक चीज़ों से भी महरूम रखते हैं और अपने पास पैसा खूब बटोर कर रखते हैं। जहाँ जनता के पास खाने के लिए नहीं है वहाँ राष्ट्रपति के घर में से करोड़ों रुपया निकलना बहुत शर्म की बात है। और इसीलिए हम जनता की, श्रीलंका की जनता के साथ इस संघर्ष में उनके साथ साझेदारी, सॉलिडारिटी यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनकी जनता का संघर्ष जो सिरे से इस पार्लियामेंट को, अपनी पार्लियामेंट को नकार रही है, जो पार्लियामेंट उसको लूट रही है, वो सीधा सीधा उसके खिलाफ है और वो अपनी मांगों पर काम होते हुए देखना चाहती है। लेकिन कहा जा रहा है कि आंदोलन उग्र हो गया। देखिए, जनता एकदम भूखी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर नेता प्रतिपक्ष जनता की एक भी मांग को सुनेगा नहीं, जनता जो जनता उनको वहाँ बिठाती है, ठीक है, उनकी अगर सुनेगा नहीं तो क्या होगा? जनता से तो नेता इतने डरने लगे कि देश छोड़कर भागने लगे। देखिए, वो जनता का दबाव था, जनता के संघर्ष का दबाव था कि राजपक्षे को भगोड़ा होना पड़ा, वरना एक राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाए ये बहुत ही शर्म की बात होती है। श्रीलंका से लगता है कि नेता किस तरह देश को बर्बाद कर सकते हैं? देखिए, नेता कौन लोग हैं या किन के इशारे पर काम कर रहे हैं? अच्छा, नेता भी इशारे पर काम करते हैं? हाँ, वो कैपिटलिस्ट के इशारे पर काम कर रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका के कैपिटलिस्ट हो या फॉरेन कैपिटलिस्ट हो। वो उनके मुनाफे की नीतियाँ बनाते हैं, जैसे भारत में बनती हैं, जैसे भारत में लेबर कोड को बदला गया, ठीक है, जिसमें एक मजदूर जो पहले 8 घंटे काम करता था उसको 12 घंटे किया गया, मजदूर अपने यूनियंस ना बना पाए इसकी पूरी इंश्योरिटी की गई। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार किसके इशारों पर काम करती है। वो कहती है कि वो जनता के पक्ष में है, जनता के द्वारा चुनी गई है, किंतु वो असल में
अमीर लोगों के लिए काम करती है, अडानी को वो और अमीर करती है और एक गरीब को वो और गरीब करती है।